एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन इस टॉपिक में अपन कंटिन्यू बात करेंगे जो कल सीओपी 28 के बारे में बात कर रहे थे सीओपी 28 अपन ने देखा था यूएनएफसीसी uh, जो कि यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है उसका 20थ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्रेजेंटली दुबई में यूएई में मीटिंग uh, हेल्ड की जा रही है इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कल अपन ने बात करी थी फिर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं उसी को अपन इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले एक जो कन्फ्लिक्ट सामने आई है वो है यदि अपन स्टार्टिंग से ही देखें तो एक बहुत क्लियर कंटेंशन आ रहा था दुबई की मतलब यू की लीडरशिप को लेकर अब यू ए कहां पर है मिडिल ईस्ट में है मिडिल ईस्ट में एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है मतलब इट इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल तो एक ऐसी कंट्री जो इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है क्या उसे क्या उसे ज़रूरत इट द राइट पार्टी टू बी मेड चेयरमैन और यही कंफ्लिक्ट कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल सामने उठ के भी आई ऐसा हुआ था कि दो दिन पहले मतलब जब इवेंट स्टार्ट हुआ था तब जो सीओपी ट्वेंटी वो है डॉ सुल्तान अल जबेर यह एक ऑयल कंपनी के से भी एसोसिएटेड है अब इन्होंने कहा था कि फॉसिल फ्यूल को कंटिन्यू रखना जरूरी है टू सस्टेन द ग्लोबल इकोनॉमी मतलब कि क्लाइमेट कन्वेंशन में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी चेयरमैन ने फॉसिल फ्यूल्स को एंडोर्स किया है दिस वाज हिस आइडिया अगेंस्ट हिस आइडिया जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्विटरस उन्होंने इस आइडिया को डिबेट करते हुए कहा कि इट इज नेसेसरी कि जो फॉज फ्यूल्स हैं उन्हें फेस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फ्यूल्स बर्न करते रहा तो क्लाइमेट चेंज को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता यही बहुत कंफ्लिकली सीओपी ट्वेंटी सामने आया इसी के रिगार्डिंग जब सीओपी ट्वेंटी एट के चेयरमैन ने फॉसिल फ्यूल्स को एंडोर्स किया तो इसी एडवाइजरी बोर्ड सीओपी ट्वेंटी एट के एडवाइजरी बोर्ड में मार्शल आइलैंड के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे जिन्होंने इसके ओपोजिशन में वोट से रिजाइन कर दिया अब इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि जितने भी जैसे मार्शल आइलैंड एक आइलैंड कंट्री है ये आता है स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज का एक पोलिशन है उसमें पार्ट आता है अब जो आइलैंड कंट्रीज हैं ये पर्टिकुलरली ज्यादा वलनरेबल रहती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योंकि इनका जो हाइट है फ्रॉम द सी लेवल वो बहुत ज्यादा लो है जैसे इवन लक्षद्वीप का इंडिया में हाइट कितना है वन से दो मीटर अबोव सी लेवल कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जिन जो बिल्कुल सी लेवल से थोड़ा ही ऊपर दो तीन चार फीट ही ऊपर है ऐसी कंट्रीज बहुत ज्यादा वलरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा भी सी लेवल राइज हुआ तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकता है जैसे एक एग्जाम्पल है किराबाती जो सबसे पहले क्लाइमेट रिफ्यूजीज ओरिजिन किए थे वो माना जाता है यहीं से किए जाए थे ये न्यूजीलैंड के पास एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है और क्लाइमेट रिफ्यूजी वर्ड यहीं से ओरिजिनेट हुआ था जब इनका डिस्प्लेसमेंट मास स्केल पे हुआ किराबाती के लोगों के माइग्रेशन की वजह से जो क्लाइमेट की वजह से इंड्यूस हुआ था कल भी अपन ने देखा था लॉस एंड डैमेज फंड जो अभी इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया उसमें स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए एक स्पेशल कोटा रखा गया है इस वजह से मार्शल आइलैंड के लिए बहुत ज्यादा है कि क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लिया जाए और फॉसिल फ्यूल के में वो से रिजाइन कर दिए अब एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन जो है वो है फूड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन ये अनाउंस किया गया है अलॉटमेंट होगा फूड के लिए अब ये डिक्लेरेशन यूएई की इनिशिएटिव में लिया गया है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 134 कंट्रीज कवर आउट करेंगे जो 5.7 बिलियन पीपल आउट ऑफ द 8 बिलियन पॉपुलेशन रीच हो चुकी है 8 बिलियन प्लस है उसमें से 5.7 बिलियन पीपल यहां पर मौजूद है इंपॉर्टेंट क्यों है कई रिगार्ड्स में क्योंकि यदि अपन देखें तो एक फूड है फूड सप्लाई सिस्टम दूसरा है क्लाइमेट और तीसरा है फार्मर्स ये तीनों का इंटरजेंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज फूड सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेट इसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है यदि क्लाइमेट चेंज ज्यादा बढ़ता है तो फूड की प्रोडक्टिविटी हो सकता है कम हो जाए बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मर का एग्जिस्टेंस जो कि एक मेजर वलनरेबल ग्रुप है वो क्लाइमेट की वजह से उनके इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस एंड अदरवाइज थ्रेटन हो रहे हैं तो ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इस डिक्लेरेशन के हिसाब से पार्ट रहेंगे मतलब कि इंश्योर करना है कि फूड का सप्लाई सस्टेनेबल बना रहे जितना कम एमिशन हो सके पूरे के पूरे फूड स्ट्रक्चर में हो अपन ने देखा था कि फूड स्ट्रक्चर से वन थर्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है इंटायर फूड चेन की वजह से देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यदि फूड सस्टेनेबिलिटी मेंशन की जाए सस्टेनेबिलिटी में सप्लाई भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है वहीं यदि अपन बात करें फार्मर्स की तो इनके लाइवलीहुड की बात है ताकि प्रोडक्शन बढ़े इनके लाइवलीहुड में इनके इनकम प्रोस्पेक्ट्स बढ़े और क्लाइमेट प्रोटेक्शन भी अपन को इंश्योर करना है विद फूड तो जैसे कि अपन ने बात किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के दो मेजर एम होते हैं फूड का सप्लाई करना प्लस एनवायरमेंट के तो फूड का सप्लाई करना विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंट की इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी खराब ना हो इसी ब्रॉडर एम्स में इस डिक्लेरेशन को साइन किया है विथ एन एडिशनल कि फार्मर को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए फार्मर के इंटरेस्ट को भी किया जाए अब ये बात बहुत ऑब्वियस है क्योंकि यूएई कैसा है एक डेजर्ट कंट्री है यूएई के लिए फूड एक बहुत ज्यादा बैरन लैंड ज्यादा है डेजर्ट लैंड ज्यादा है तो इस वजह से क्या है इनके लिए ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेंट है इस वजह से इनके इनिशिएटिव पे इंट्रोड्यूस किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन में भी 200 ने भी 200 मिलियन डॉलर की डोनेशन इसी फंड पे की है यदि अपन बात करें एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो ली गई है वो है G7 क्लाइमेट क्लब अभी ऑफिशियली लॉन्च हुआ है ये 2020 में जब G7 की uh, 2022 में जब G7 की मीटिंग हुई तब इस G7 सेवन इन्वायरमेंटल क्लब बोला गया था फॉर्म किया जाएगा अभी फाइनली इसे डिक्लेयर किया गया है ऑफिशियली स्टार्ट किया गया है इन्वायरमेंट क्लब की बात करें तो क्या करते हैं इनका मेजर एम रहता है कि कोई इन्वायरमेंट प्रोविजन को करे कंट्रोल करे तो बिल्कुल ऐसे ही इनका एम है कि जो पैरिस एग्रीमेंट है पैरिस एग्रीमेंट को एनफोर्स किया जाए जो पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रहे उसी को इम्पोज किया जाए उसी को माना जाए इस वजह से क्या होगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं वो इस फोरम को ज्वाइन कर सकती हैं मतलब कि इट इज एन ओपन एंड इंक्लूसिव फोरम दिस इज द आइडिया दैट हैज बीन मैंशन इसे जो प्रपोज किया था जर्मनी के चांसलर ने प्रपोज किया था और जर्मनी और चिली ने मिलकर इसको लॉन्च किया है दैट इज द अइडिया अब यदि नॉर्मली अपन इनवायरमेंट क्लब की बात करें तो इनवायरमेंट क्लब नॉर्मली सैंक्शन के तौर पर वर्क करता है जो भी हमारे रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करेगा उसे हम सैंक्शन करेंगे बट जो जी सेवन क्लब है वो किस आइडिया पर है तीन मेजर आइडियाज पर वर्क कर रहा है सबसे पहला है ग्रीन स्टील दूसरा है क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड तीसरा है इंटरनेशनल पार्टनरशिप इसी आर अपन देखें ग्रीन स्टील को प्रमोट करें क्योंकि स्टील सेक्टर एक मेजर एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस करता है सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को जितना ज्यादा डीगैसिफाई कर सके किया जाए यूजिंग इंटरनेशनल पार्टनर इन तीन पैरामीटर्स पर जो जी सेवन का इन्वायरमेंटल क्लब है वो फॉर्म करने की बात करा जा रहा है बहुत ही ओपन है इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है हालांकि यदि आप प्रेजेंट मेंबर्स देखें तो कुछ 30 प्लस मेंबर्स जुड़ चुके हैं जिसमें पैसे ऑल द जी7 कंट्रीज जी7 क्या है एक फाइनेंशियल ग्रुप है एक एलिट क्लब है जो पुराना 1990s का क्लब है जब रहीस लोग बैठ के डिस्कस करते थे उस तरीके का क्लब है अभी इसका इंपोर्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है फिर भी ऑल द जी सेवन कंट्रीज जो जापान को इंक्लूड करता है यूरोप की फोर प्रोमिनेंट कंट्रीज को इंक्लूड करता है यूएस कैनेडा को इंक्लूड करता है इन सारी कंट्रीज के कॉलेजन से बना है ये सारी की सारी कंट्रीज ने जी सेवन को ज्वाइन कर लिया है हालांकि इसके अलावा भी जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गई केनिया ने ज्वाइन किया कुल मिला के थर्टी प्लस कंट्रीज है क्या इंडिया ने ज्वाइन किया है नहीं किया है ऐसे ही चाइना ने भी ज्वाइन नहीं किया है ये दो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना दुनिया का लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है एमिटर कौन है यूएस जो है थर्ड में आता है इंडिया इंडिया ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को यह फोरम जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि एक जो लगातार बात हो रही है ग्रीन स्टील की वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोलैबोरेटिव रिसर्च और अदरवाइज कोलैबोरेटिव फोरम्स में इंडिया का पार्टिसिपेशन जरूरी है इस वजह से ज्वाइन कर लेना चाहिए दिस इज द आइडिया ऑफ जी सेवन इसका मेजर इस फोरम का आइडिया क्या है क्लाइमेटिक फोरम का कि पेरिस एग्रीमेंट्स के जो प्रिंसिपल हैं उसे ऑन ग्राउंड रियल लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाए इसी के लिए एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम है जो आइडिया करता है कि पेरिस के एग्रीमेंट के हिसाब से डेढ़ डिग्री से मिटिगेशन मतलब क्या हमें रोकना है तो जो प्रोग्राम जो आइडियल्स हैं जो टारगेट्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है उसे फॉलो किया जाए दिस इज द आइडिया। तो ये भी एक्टिवेट हुआ है इसके डिस्कशंस हो रहे हैं यूएनएफ ट्रिपल सी में एक और मेजर जो इवेंट हुआ वो मोदी जी की स्पीच थी अब इसमें एक पर्टिकुलर जो था सीओपी 33 उन्होंने कहा 2028 में इंडिया को होस्ट करने दिया जाए नॉर्मली तो देखा जाए तो 2 साल पहले ही

पंचतंत्र जो डिक्लेरेशन था पांच मेजर कमिटमेंट किया था उसी में कंटिन्यू करेगा और इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी कार्बन स्पेस को कम करना पड़ेगा अब देखो मतलब क्या है यदि अपन को टेम्परेचर को रेगुलेट करना है फिक्स करना है तो जो नेट कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन किसी भी फॉर्म में एमिट हो सकता है वो कार्बन स्पेस फिक्स है अब अभी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो शेयर है वो बहुत कम है यदि चाइना को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बहुत ही कम है और मेजर शेयर डेवलप्ड कंट्रीज ले चुके हैं अब जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का ये बजट एक्सपैंड हो रहा है दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स तो डेवलप्ड कंट्रीज को अपना बजट कम करना पड़ेगा कार्बन स्पेस कम करना पड़ेगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपना डेवलपमेंट कर सके और इस कार्बन स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते ये बहुत क्लियर शब्दों में था साथ ही साथ उन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस करने की बात करी क्या है ये ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव सिंपल शब्दों में समझें तो जो डिग्रेडेड लैंड है यदि इस डिग्रेडेड लैंड में फॉरेस्ट को उगाया जाए तो इसके खिलाफ इसके इस इनिशिएटिव के लिए फॉरेस्ट के लिए कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए दिस कार्बन क्रेडिट शुड बी ट्रेडेबल एक तरीके का हमें इनिशिएटिव या पैसा मिलना चाहिए फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज इस इनिशिएटिव के लिए दिस इज द ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म अब एक और जो बहुत मुद्दा इंपॉर्टेंट है जो कल भी अपन ने बात की थी वो फंड से रिलेटेड है तो इसी के रिगार्डिंग एक डिसीजन लिया गया कि यूएई ने 30 बिलियन फंड का अनाउंसमेंट किया गया इस फंड का नाम क्या है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड अब क्यों मौजूद है क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जो 2009 में यूएनएफ ट्रिपल सी की ओप्पोहेगन में एक समिट हुई थी उसमें एक फंड की स्टार्ट हुई थी दैट वाज ग्रीन क्लाइमेट फंड ग्रीन क्लाइमेट फंड में डेवलप्ड कंट्रीज को 100 बिलियन डॉलर्स कमिट किया गया था हर साल देंगे अपटिल टू 2024 मतलब कि 100 बिलियन डॉलर्स देना था बट ये अभी भी कंटेंशियस है हमने कल देखा था कि ओसीडी कंट्रीज बोलती हैं कि हम 100 बिलियन डॉलर दे रहे हैं लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज इसको कंटेक्स करती हैं कि ये डबल काउंटिंग करके दे रहे हैं दैट इज बेसिक कंफ्लिक्ट इसी में पेरिस एग्रीमेंट में एक मैंशन किया गया था कि 2024 के बाद कैसे फंडिंग होगी इसे भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा देयरफॉर इस अरेंजमेंट को कहा गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल मतलब कि 2024 के बाद डेवलप्ड कंट्रीज कितना फंड देंगी कैसे देंगी इसका नेगोशिएशन होगा इसके पहले क्या था 100 बिलियन डॉलर्स का जीसीएफ और बाद में जो फंड होगा इसी का डिस्कशन अभी हो रहा है दिस इज बींग हेल्ड एट कहां पर ये इसके बाद जो डिस्कशन हो रहा है ये COP28 में किया जा रहा है। this is the meaning of new collective quantitative goal. कितना पैसा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा कितना दिया जाएगा इसका डिस्कशन सभी चल रहा है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चन आता है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल इज इट्स एसोसिएटेड विद क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ऑल फॉर दिस टॉपिक थैंक यू डे